हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस. आज का टॉपिक है पॉली कंडेंसिएशन. दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव कंडेंसिएशन बिटवीन टू बाईफंक्शनल मोनोमर्स. पॉली कंडेंसिएशन जो है वो पॉलीमराइजेशन का एक टाइप है जिसमें रिपीटेटिव कंडेंसिएशन होता है. रिपीटेडली कंडेंसिएशन होता है यानी कि बहुत ज़्यादा बार कंडेंसिएशन होता है बिटवीन टू बाईफंक्शनल मोनोमर्स. मोनोमर्स के बीच में जो कि बाईफंक्शनल है यानी कि उस मोनोमर्स पे जो है दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. पॉलीकंडेंसिएशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स. पॉलीकंडेंसिएशन में सिंपल मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है जैसे कि वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा और हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स जो है बनता है. Here the product form is also bifunctional species and the sequence of condensation goes on. और यहाँ पे जो product बनता है वो भी bifunctional species होता है यानी कि उस पर भी दो functional group present होता है. And the sequence of condensation goes on. और ये जो condensation process है वो continue होते जाता है. Each step forms a distinct bifunctional species and each species is independent of each other. हर step पे एक अलग bifunctional species बनता है और जो हर species जो बनता है वो एक दूसरे से independent होता है, एक दूसरे पर depend नहीं होता. Thus this process is also called step growth polymerization. इसलिए इस process को जो है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि हर स्टेप पे अलग स्पीशीज जो है बनता है. द फॉर्मेशन ऑफ पीईटी, टेरिलीन, डैक्रॉन अक्वायर्स बाय दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. और जो पीईटी का फॉर्मेशन है, पॉली एथिलीन टेरेफ्थैलेट जिसको टेरिलीन भी कहा जाता है, डैक्रॉन भी कहा जाता है, वो इस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन से बनता है. यहाँ पे पॉली एथिलीन टेरेफ्थैलेट का रिएक्शन दिया है जब हम n टाइम्स एथिलीन ग्लाइकोल को यानी कि CH2 जिसपे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा दोनों कार्बन पे n टाइम्स टेरेफ्थैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे. बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशन पे जब हम COOH ग्रुप लगाते हैं तो हो जाता है टेरेफ्थैलिक एसिड, तो हमें मिलेगा पॉली एथिलीन टेरेफ्थैलेट PET. पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म. स्टेप ग्रोथ प्रोसेस प्रोसीड्स वाइज स्टेप वाइज रिएक्शन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट्स. जो स्टेप ग्रोथ प्रोसेस है उसमें क्या होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन होता है रिएक्टेंट्स के फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में. द साइज ऑफ पॉलीमर इंक्रीजेस एट अ रिलेटिवली स्लो पेस इन कंडेंसिएशन पॉलीमराइजेशन. और जो कंडेंसिएशन पॉलीमराइजेशन है उसमें जो पॉलीमर का साइज है वो बहुत ही धीरे से इंक्रीज होता है, स्लो पेस पे इंक्रीज होता है. One proceeds from monomer to dimer, trimer, tetramer, pentamer and so on until eventually a large size polymer is formed. और इसमें पहले जो मोनोमर है वो डाइमर में कन्वर्ट होता है, फिर ट्राइमर, फिर टेट्रामर, फिर पेंटामर, और ऐसे ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है जब तक एक लार्ज साइज पॉलीमर नहीं बनेगा. यहाँ पे जो है मैकेनिज्म दिया है, मोनोमर और मोनोमर कंबाइन होके डाइमर देता है, डाइमर और मोनोमर कंबाइन होके ट्राइमर देता है, डाइमर और डाइमर कंबाइन होके टेट्रामर, ट्राइमर और मोनोमर कंबाइन होके टेट्रामर देता है, ट्राइमर और डाइमर कंबाइन होके पेंटामर देता है, ट्राइमर और ट्राइमर कंबाइन होके हेक्सामर देता है, और ऐसे ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है. तो इस चीज़ को याद रखने के लिए पहले हम वन टाइम मोनोमर लिखेंगे इस साइड पे, फिर उसके बाद जो डाइमर है मींस टू है तो दो टाइम डाइमर लिखेंगे, फिर थ्री टाइम्स जो है ट्राइमर लिखेंगे,
और यहाँ पे मोनोमर को पहले हमें मोनोमर के साथ कंबाइन करना है, और जो डाइमर लिखा है उसको पहले मोनोमर के साथ फिर डाइमर के साथ कंबाइन करना है, और जो ट्राइमर लिखा है उसको पहले मोनोमर फिर डाइमर फिर ट्राइमर हमें लिखना है। और हमें पता है मोनोमर प्लस मोनोमर डाइमर देता है, डाइमर प्लस मोनोमर एंड मोनो ट्राइमर देता है। उसी तरीके से आगे जो है प्रोसीड करना है। अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।